माय चैनल गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया ही होगे, मैं भी बढ़िया ही हूँ। तो आज का ब्लॉग जो है वो लेट है, रात के 10 बज रहे हैं अभी। तो आज हम जा रहे हैं रायपुर गणपति दर्शन करने। तो हम रायपुर की मेन मेन जगह जाएंगे जहाँ पर गणपति बैठे हैं, बड़े बड़े मूर्तियाँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो गाइस, हम आए रायपुर के गोल बाजार में, बैठे हैं गणेश जी। भव्य पंडाल बना है गणेश जी का, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ भी बहुत ही भव्य तरीके का पंडाल बनाया गया है, तो आप जरूर देखिएगा। हमें यहाँ छोटे से बाल गोपाल वाले गणेश जी मिले, देख सकते हो। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो गाइस देख सकते हैं, यहाँ भी छोटे से गणेश जी बैठे हुए हैं। बहुत ही मस्त तरीके से सजाया गया है। मैं रामसागर पारा वाले रोड में, तो यहाँ की भी मूर्तियाँ दिखाता हूँ आपको। यहाँ भी छोटी सी मूर्तियाँ बैठी है। हम आ चुके हैं रामसागर पारा, तो यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ बैठी है। तो आप भी इंजॉय करिएगा इस ब्लॉग को, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। तो सामने बहुत ही भव्य तरीके का मंदिर बनाया गया, और बहुत ही मस्त तरीके का डेकोरेशन किया गया, तो आपको भी मैं अंदर ले चलता हूँ। देख सकते हो यहाँ भी बहुत ही भव्य पंडाल बनाया गया है। हाँ, हर बार अलग तरीके की मूर्ति बनाई जाती है, आप देख सकते हो।
सकते हो बहुत ही मस्त तरीके से लाइट लगाई गई है यहाँ। सो गाइस अभी मैं हूँ राठौर चौक में और यहाँ दो बड़े पंडाल बनाए गए हैं जो कि अक्सर बहुत ही मस्त तरीके का मूर्ति बैठता है यहाँ। तो चलिए चलते हैं यहाँ पास। अभी हम पहुंचे स्टेशन रोड में, तो यहाँ कुछ मीटर चलेंगे तो स्टेशन आ जाएगा। तो यहाँ के भी आपको गणेश जी दिखाता हूँ मैं। रात के 11 और अभी तक हम घूम ही रहे हैं। आ चुके स्टेशन के पीछे वाली एकदम सुनसान रोड में। देख सकते हो आप कितना सन्नाटा है यहाँ, कितनी सुनसान है। तो आप देख सकते हो मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, रात के आपके लिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो बहुत दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा था कुछ रीजन्स की वजह से। तो आपसे मेरे व्लॉग आएंगे, एक एक हफ्ते में एक एक व्लॉग आएंगे, पर आएंगे ज़रूर। कोशिश करूँगा मैं दो दिन में लाने की। फ़िलहाल तो वहाँ एक कुत्ता नाच रहा, देख सकते हो इधर उधर दौड़ के, और तुझे बहुत दांत दिखा रहा है। तो हम आ चुके हैं MG रोड चौपाटी में। तो हम रखे 20 रुपये, बाकी का खा लिया हम वहीं बस। तो देखते हैं 20 रुपये में यहाँ क्या मिलता है। सभी बजने वाले हैं 12 और हमें चिकनी मंदिर के पास। तुषार को लगी है भूख तो वो बनवा रहा है दाबेली। तो मैंने सोचा मैं अभी एक ठो खा लेता हूँ फिर जाके सोना है। तीखा खाएगा तो हगेगा साले। सो गाइस अभी फिलहाल मैंने अपने घर के गणेश जी को ढक दिया है
सो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।